आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बहनों भाइयों दोस्त अहबाब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आप सबको पूरी उम्मत मुसलमान को और जो जो ये वीडियो व्लॉग देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको YT फैमिली को इस ईद उल फितर में डेरू खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की बीमारियाँ परेशानियाँ और मुसीबतों से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ईद उल फितर की छोटी सी रूटीन शेयर कर रहा हूँ। यह मॉर्निंग का टाइम था, तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब मैं ईद उल फितर की नमाज़ के लिए तैयार हो रहा था। ये मेरे शूज़ हैं जो मैंने ईद पर पहने थे। गर्मियां हैं तो गर्मियों में सिंपल से शूज़ अच्छे लगते हैं, इनमें बंदा कंफर्टेबल और इजी रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे कपड़े हैं, सूट है जो मैंने पहना है ईद के लिए, ये भी सिंपल सा है। सिर्फ जो है वो बटन मैंने फैंसी लगवाए थे, बाकी सूट सिंपल सा है। सूट का जो कलर है वो हल्का ग्रीन सा है, जो वीडियो में इतना समझ नहीं लग रही कि कौन सा कलर है, लेकिन ये हल्का ग्रीन सा है। ये मैंने बाजू पर भी फैंसी बटन लगवाए थे। आप सबको एक दफ़ा फिर ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। आप से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फैमिली मेम्बरान के साथ और दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त न्यू हैं इस चैनल पर और इस वीडियो पर तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो व्लॉग अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। यहाँ पर मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा बाहर का व्यू भी शेयर कर दूं। अब नाज़रीन चलते हैं ईद उल फितर की नमाज की तरफ और नमाज अदा करते हैं। एक थोड़ी सी मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई है। और यहाँ पर मैं अब ईद पढ़ के वापस आ रहा था, तो ये सोचा कि इस ग्राउंड का भी थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि कनक जो है वो गंदम जो है वो काट चुके हैं, अब ज़मीनें जो हैं वो फ्री हैं। 2-3 माह के बाद बाजरा और मकई की फसल काश की जाएगी। नाज़रीन ईद की नमाज़ अदा करने के बाद रास्ते में कुछ खूबसूरत मनाजर थे, उनकी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। उसके बाद फूड होगा जो हमने ईद के लिए बनाया था, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा आगे चल के। अब आप थोड़ा सा म्यूज़िक इन्जॉय करें, फिर मिलते हैं वीडियो के अख्ताम से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से आप सबको दिल की गहराइयों से दिली ईद मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आप सब से गुजारिश है कि ईद की खुशी में अपने इर्द गिर्द गरीब गुरबा का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो उनका भी ख्याल रखिएगा। जिस किसी के पास भी तौफीक है उनकी मदद करने की, हेल्प करने की, तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके उनकी मदद कीजिएगा।
क्योंकि गरीब गुरबा की मदद करने से आपको दिली सुकून भी मिलेगा और उनकी भी मदद हो जाएगी, उनकी भी ईद अच्छी गुजर जाएगी। और ख़ास तौर पर अपने गरीब रिश्तेदारों की हेल्प करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, ये चिकन पुलाव की डिश है, माशाल्लाह बहुत ही यम्मी बनी थी और साथ में ये रायता था चिकन पुलाव के लिए। और रोटी और सम सैलड, और इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चिकन कोरमा था जो माशाल्लाह ये भी बहुत यमी बना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फ्रूट है। और इसके अलावा मीठे में हमने रसमलाई बनाई थी, डिलीशियस रसमलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो व्लॉग, मेरी ईद की छोटी सी रूटीन जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बरान के साथ और दोस्त अहबाब के साथ। और जो न्यू दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे आने वाली वीडियो के लिए। तो अब नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ जाता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इसी चैनल आज़ाद कश्मीर विलेज में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।